गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इधर टुक टुक खेल रही हैं अपने सॉफ्ट टॉयज़ के साथ। ये इनका फेवरेट सॉफ्ट टॉयज़ है और रिद्धि स्कूल से आ चुकी हैं। तो मेरे पति देव जा रहे हैं आज पिज्जा बनाने, कह रहे हैं आज मैं बनाऊंगा पिज्जा, देखिए कैसा बनाते हैं। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगी, कह रहे मैं तुमसे अच्छा बनाऊंगा पिज्जा। मुझसे अच्छा बनाएंगे पिज्जा? हाँ बोलो जी। आपसे बहुत अच्छा बना। आप इतना इज्जत। तो फिर चलिए देखते हैं कि कैसा बनाते हैं पिज्जा। पहले मोबाइल से तो हट जाइए, मोबाइल रखिए तभी तो जाएंगे पिज्जा बनाने। तो फिर चलते हैं, देखते हैं आज ये कैसा पिज्जा बनाते हैं, मेरे जैसा बनाते हैं कि नहीं। तो इधर उन्होंने जो जो लगता है पिज्जा में वो सब सामान ले लिया था फ्रिज से, अपने आप, मुझसे कुछ नहीं मांगा था। दोनों बाप बेटी मिलके पिज्जा बना रहे हैं क्योंकि रिद्धि की फरमाइश थी और मेरा मूड नहीं था बनाने का। तो ये कहें कि लाओ मैं बनाता हूँ पिज्जा, तुमसे अच्छा बनाऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर दोनों लोग मिल के यहाँ पर पिज्जा बना रहे हैं। पापा हमसे अच्छा बनाएंगे पिज्जा, कैसा बनाएंगे, हमसे अच्छा कि हमसे खराब? ऐसे भी ड्यूटी पे रहते हैं और उसके बाद घर पे रहते तो बीवी बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, तो फोन ही पे लग जाते हैं। बताइए बताइए कितनी नाइंसाफी है पत्नियों के साथ। देखते हैं कितनी देर में जाते हैं पिज्जा बनाने। पापा मम्मी से अच्छा बनाएंगे। हाँ, सही, चलो ठीक है, खा के देखेंगे। रही है तो ऐसे कौन लगा डालता है टमाटो सॉस? तो ये पिज्जा बनके हो गया है रेडी, पति देव के हाथ का पिज्जा आज इन्होंने बनाया। ये लग तो सेम ही रहा है, खाने पे पता चलेगा कि कैसा बना है। रिद्धि खा के बताओ पापा का पिज्जा कैसा है, पापा के हाथ का टूटा फूटा है। यम्मी है, यम्मी है, पापा ने यम्मी बनाया है। हाँ पापा की चमची तुम तो बोलोगे ही यम्मी है, चाहे यम्मी हो ही ना। ये खा के देखते हैं कैसा बनाया है मेरे हस्बैंड ने पिज्जा। ये टेस्टी है, मानना पड़ेगा, आ गया मेरे जैसे पिज्जा बनाना। मुझसे बढ़िया, अच्छा मुझसे बढ़िया है, हाँ मानना पड़ेगा भाई, बढ़िया तो लग रहा है। घर रिद्धि कर रही है पढ़ाई और इनका दूध भी रखा हुआ है चॉकलेट वाला, और पति देव चाय पी रहे हैं चाय, और मैं भी पी रही हूँ चाय, सिंपल चाय हम लोग पी रहे हैं। और टुक टुक पी रही है उधर दूध नीचे। एक्चुअली जब पति देव रहते हैं तब चाय के साथ पीते तो अलग ही मजा आता है। तो हम लोग डाले हैं मलाई भर के चाय में दोनों लोग की, आज ज्यादा मलाई थी।
दूध में मलाई डाल के चाय पीने में अलग ही मजा रहता है। तो पति देव लोग उठा रहे हैं न्यूज का। अदिति क्या पढ़ रही है? 1 2 3 की स्पेलिंग जो बता। आप लोगों को पता है क्या चीज में बता रहे जा रही हूँ? कि मेरा पति मोटू पतलू देखता है बच्चों के साथ। ये देखिए, ये मोटू पतलू देख रहे हैं। मोटू पतलू देख रहे टुक टुक ना ना टुक 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 रिद्धि के साथ मिलके मोटू पतलू देख रहे हैं। कहाँ दिख रहा है? होता है कि बच्चे जब कार्टून देखते रहते हैं तो माँ बाप भी, माँ बाप को मिलता ही नहीं है समय कि टीवी पे अपना कुछ देख पाए, क्योंकि बच्चे जब अपना देखना होता है उन लोगों से फ्री हो तो बच्चे भी फ्री हो जाते हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं कि हमें मोटू पतलू देखना है जो समय मिलता है। तो जब बच्चे कार्टून देखते हैं तो हम लोग भी कार्टून ही में डूब जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे पति के साथ हुआ है कि वो भी आजकल बच्चों के साथ मोटू पतलू ही देखते हैं। और मोटू पतलू से अगर फुर्सत मिलता है तब वो न्यूज देखते हैं, उनको ये दो चीजें पसंद है। तो बच्चे और हस्बैंड भी दोनों लोग जा चुके हैं बाहर, बच्चों को ग्राउंड में झूला झुलाने के लिए ले गए हैं वो। तो मैं हूँ घर पे, मुझे जाने का मन नहीं हुआ आज। तो फिर आज का वीडियो यहीं तक, छोटा सा वीडियो था। अच्छा, कभी कभी पति लोग पत्नी के लिए कुछ बनाते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसा होता है ना। तो मेरे हस्बैंड ने भी बनाया, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। कईयों के पति बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही पति बनाते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, छोटा सा ही। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ने में, उसका जवाब देने में। और कुछ कमी आप लोग जो बताते हैं उसे, मतलब होता नहीं है, आप अच्छे के लिए ही बताएंगे, अगर उसमें कोई कमी रहती है तो वो भी अच्छा लगता है। और भी कमेंट करिए कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।